हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ यहाँ पधारने पर, अभिनंदन करता हूँ सभी अतिथिगणों का भी। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि जहाँ कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड का उद्घाटन किया था, इसका शुभारंभ किया था, और आज हमको आदरणीय गृह मंत्री जी का इस समापन समारोह में उपस्थित होकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। जहां आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हमारी जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो मजबूत हुई है, वहीं जैसा कि देश के प्रथम सहकारिता मंत्री के नाते सहकारिता के क्षेत्र में भी सहकार से समृद्धि के लक्ष्य की ओर हमारा देश तेजी से आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत देश के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। आपके कर कमलों से ही अक्टूबर 2021 में पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य देश में पहली बार और उत्तराखंड से ही प्रारंभ किया गया था, और आज राज्य में सभी हमारी जितनी समितियां हैं वो कंप्यूटरीकृत हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, अभी अभी आप सब लोगों को पता है कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए हमारे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने में जहां हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार से, यानी कि देश के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, देश के अंदर जितनी मशीनरी थी, हमको पूरे देश से यहां पर सिलक्यारा में उत्तरकाशी में उपलब्ध करवाई, वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी हमें लगातार जितनी भी एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती थी उन सभी का आपके नेतृत्व में आपके मार्गदर्शन में हमको लगातार सहयोग मिलता रहा, जिसके चलते ही हम सिलक्यारा का मिशन सफल कर पाए और अपने श्रमिक भाइयों को सकुशल वहां से बाहर निकाल पाए। इसके लिए मैं जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पिछले 9 सालों की बात करें तो 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर अनेक काम, ऐसे ऐसे काम जिसके बारे में पहले सोचना भी बहुत दूर की बात थी, वो सारे के सारे काम धरातल पर आज उतर रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उसमें मैं बहुत विस्तार से जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, और हम सब लोग आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को सुनना चाहते हैं, और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जहां उत्तराखंड में सेब, कीवी, मशरूम, श्री अन्न, जड़ी बूटियां आदि के उत्पादन द्वारा हमारे काश्तकार पूरी दुनिया को मेक इन इंडिया का संदेश दे रहे हैं, वहीं प्रदेश के अंदर लॉजिस्टिक पार्क, एरोमा पार्क, फार्मा तथा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर बहुत तेज गति से आज काम चल रहा है, बहुत तेजी से इनका निर्माण हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या सिंगल विंडो सिस्टम हो, उनको व्यवहारिक रूप से धरातल पर उतारने में हमें कुछ परेशानियों का और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। कठिन नियमों को हमने सरल बनाने का भी काम इसमें किया है। जब हम इन्वेस्टर समिट शुरू जब हमने प्रस्तावित की थी तो इसको सरल बनाने का काम भी किया है, उनको लिबरल किया है, और 27 से अधिक पॉलिसीज को हमने नई रूप से यहाँ पर अमल में लाए हैं, बजट को नियंत्रित करने का भी प्रयास किया है। इन सभी नियमों और मानदंडों पर उत्तराखंड अब आज खरा उतरने का प्रयास कर रहा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र को अंगीकार कर अनेक सेक्टरों के लिए सरल एवं पारदर्शी नीतियों को लागू करने का हमने प्रयास किया है, जिससे हमारे उद्योग बंधुओं को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए हमने संवाद की प्रक्रिया को भी अपनाया है। शुरुआत में जब हमने ये इन्वेस्टर सम्मिट करने का निर्णय लिया था तो उस समय हमने सभी के साथ संवाद किया, सबके सुझाव लिए, और विशेषकर मैं उत्तराखंड के जो हमारे पहले से स्थापित उद्योग हैं उन उद्योग बंधुओं का सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने
जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उन्होंने भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया और पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर जितने भी उद्योगों के क्षेत्र में काम करने वाले इन्वेस्टर हैं उन सभी को उत्तराखंड के बारे में ठीक प्रकार से हमारी बात को कम्युनिकेट किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इन्वेस्टर समिट द्वारा उत्तराखंड को लगभग 3.5 लाख करोड़ से भी अधिक के निवेशकों के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए हैं और भी हमारे पास आगे के भी प्रस्ताव हैं जिनमें से लगभग 44,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग का कार्य प्रगति पर है। भाइयों बहनों, मैं इस निवेशक सम्मेलन को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास करने वाले हमारे राज्य की पूरी टीम, हमारे मुख्य सचिव समेत सभी लोगों ने बहुत अथक परिश्रम किया है। पूरी टीम ने, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों ने, इसके साथ साथ बहुत सारी संस्थाओं ने भी देश भर के अंदर और दूसरे देशों में भी हमारे इन कार्यक्रमों को आयोजित करवाया और सभी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने का काम किया। आज आशीष जी समेत जितने लोग यहाँ पर पधारे हैं उन सबका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंत में मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तराखंड देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को भी तैयार है और तत्पर है। भाइयों बहनों, इस सम्मेलन की सफलता के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है। उन्होंने हर प्रकार से, जैसे वहाँ पर शुरुआत में गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात शुरू हुआ था और जब हमने उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए कि हम इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाहते हैं, निवेशकों को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारी टीम को पहले गुजरात जाने के लिए कहा, लखनऊ जाने के लिए कहा, अन्य स्थानों पर हमारी टीम गई। इसके पीछे उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की पहल के कारण आज हम इस प्रकार का निवेशकों का सम्मेलन आयोजित कर सके। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए उनकी प्रेरणा, उत्साह एवं सहयोग देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निवेशक सफल को सम्मेलन सफल बनाने में हमें न केवल निवेशकों का साथ मिला बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के लोगों ने भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस सम्मेलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आप सभी के विश्वास तथा उत्तराखंड के विकास के लिए आपकी जो प्रतिबद्धता है उसके लिए भी मैं सभी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि सभी ने अपना जिस रूप में भी जो सहयोग कर सकते थे उन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी निवेशकों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों पर अपना विश्वास जताया है। हमारी सरकार आपके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं देगी, इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और संकल्पबद्ध हैं कि आप उत्तराखंड में निवेश करेंगे तो आपको संपूर्ण तरीके से सभी समस्याओं से दूर रखने का हम संपूर्ण प्रयास करेंगे। हमारा दृढ़ विश्वास है कि उत्तराखंड में निवेश करने वाले सभी उद्योग बंधु हमारे आगे चलकर जिस प्रकार से आज उद्योग धंधे जो यहाँ पर चला रहे हैं उन्होंने हमारे ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका करके हमारे इस निवेशक सम्मेलन को, उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम किया है। आप सब भी भविष्य में हमारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और हमारा डेस्टिनेशन उत्तराखंड ब्रांड निवेश हेतु एक श्रेष्ठ ब्रांड साबित होगा। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसी स्थान पर कहा था कि मैं बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था और उनके इन शब्दों को मूर्त रूप देने के लिए हमारी सरकार पूर्ण संकल्प के साथ प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध होकर हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। कल उन्होंने इस मंच से एक बात और कही थी कि सभी भारतीयों को उत्तराखंड में डेस्टिनेशन बेडिंग, उन्होंने कहा कि ये तो शादियां, विवाह आसमान में तय होते हैं, लोग आज विदेशों में जा रहे हैं। मैं सबसे कहूँगा कि जो देवभूमि है, जो भगवान की भूमि है, उस भूमि में अपनी
बैटिंग करें, अपनी परिवार की शादियां करें, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी इसके लिए कोटि से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी ने जो हम पर विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम पूर्ण रूप से खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आज यह कार्यक्रम जहां समापन की ओर बढ़ रहा है तो मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में आपके मार्गदर्शन में आज समापन समारोह हो रहा है, लेकिन ये समापन समारोह नहीं है बल्कि एक हमारी ये शुरुआत हो रही है। एक हमने शुरुआत करी है, किसी प्रकार से हम लोग प्रयास करके इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और ये शुरुआत उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा जो विकल्प ही संकल्प है उसको पूरा करेगी। भाइयों बहनों, उत्तराखंड अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है और आने वाले समय में उत्तराखंड निश्चित रूप से जो देश के अन्य श्रेष्ठ राज्य हैं उन श्रेष्ठ राज्यों की कतार में शामिल होगा। आने वाला समय आपका है, उत्तराखंड का है। आइए डेस्टिनेशन उत्तराखंड में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि डेस्टिनेशन उत्तराखंड अपने आप में पूर्ण गारंटी है। जितना यथासंभव प्रयास हो सकता है हमने अभी तक किया है और जो हमको अभी अनुभव यहाँ प्राप्त हो रहे हैं उन अनुभवों को निश्चित रूप से आपके द्वारा जो कन्वर्सेशन किया गया है, आपके द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उनको भी हम आगे के निकट भविष्य के अपने कार्यक्रमों में शामिल करेंगे। अंत में मैं एक बार फिर से, चूंकि देश से सभी लोग आदरणीय गृहमंत्री जी का उद्बोधन यहाँ से सुनना चाहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा न कहते हुए आदरणीय गृहमंत्री जी का इस कार्यक्रम में पधारने पर मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और सभी महानुभावों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और देवी सज्जनों, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये समापन सत्र शुरुआत है कई नई शुरुआतों की, क्योंकि एक नया अध्याय जुड़ रहा है एक सशक्त उत्तराखंड के निर्माण की तरफ। और आज हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता